गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ा। एपिडेमियोलॉजी और इसके एलिमेंट्स जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का रोल क्या होता है अपनी, देखो प्रैक्टिकली अपन इसको अप्लाई करके जब देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी को अपन थ्योरेटिकली पढ़ना होता है और एक प्रैक्टिकली जब इसको यूज़ किया जाता है तो उसके लिए कुछ ऐसे उसको अपन एक नाम दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जब इसको अप्लाई करते हैं एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमिक का अध्ययन करना अपने प्रैक्टिकली कैसे करें कि अध्ययन कैसे करते हैं, तो इसका रोल क्या रहता है अपने रियल लाइफ के अंदर, फार्मर के लिए क्या होता है, साइंटिस्ट के लिए क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, तो इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करना अगर प्रैक्टिकली अपन इसको बोलते हैं तो इसके अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं तो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग एक नाम आता है, ठीक है। फोरकास्टिंग भविष्यवाणी करना, ठीक है, कोई भी चीज़ की भविष्यवाणी करते हैं तो उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग अपने एक टॉपिक है इसके अंदर कि फोरकास्टिंग करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या रहता है इसका और किस लेवल तक ये अपने इफेक्टिव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखो, फोरकास्टिंग भी किसका पार्ट होता है, एपिडेमियोलॉजी का। जब अपन फोरकास्टिंग करते हैं तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपने डिजीज़ का अध्ययन तो कर लेते हैं, एक एपिडेमिक का पता लगा लिया और एपिडेमिक को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर लिया अपन ने, ठीक है, कि इसको उसको आपस में उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि ये इसका जो फैक्टर है ये इसका ये प्रभाव डालता है डिजीज़ पे, इसमें प्रोडक्शन पे इतना इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अपन ने जब स्टडी कर लेते हैं तो इनकी अब केस स्टडी करना एक तरीके से, मतलब उनको अप्लाई करके देखना, कोई भी चीज़ को अप्लाई करके देखना। तो एक अप्लाइड जैसे अपने बोले तो एपिडेमियोलॉजी के जब अप्लाइड फॉर्म देखें तो अप्लाइड फॉर्म की बात करते हैं तो उस किसका नाम आता है, फोरकास्टिंग का, कि अपन डिजीज़ की फोरकास्टिंग करते हैं। तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ की फोरकास्टिंग करना। देखो एक इसके अंदर एक एग्जांपल बताता हूँ कि एप्पल के अंदर स्कैब डिजीज़ होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंस होती है, मेन चीज़ तो ये है कि एप्पल के अंदर स्कैब डिजीज़ होता है, हिमाचल वाला जो रीजन है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये एप्पल के अंदर मेजर प्रॉब्लम होती है जो इसके प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ में प्लस क्या करता है, ये मार्केट वैल्यू डाउन कर देता है इसकी, एप्पल की क्या करेगा, मार्केट वैल्यू को कम कर देता है। तो ये क्या चीज़ होती है कि जब एप्पल ग्रोविंग जहाँ पे एरिया होता है तो वहाँ पे इस प्रकार के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार की टेक्निक अपने अपनाते हैं, तो उसमें क्या चीज़ आती है कि फोरकास्टिंग, डिजीज़ का फोरकास्टिंग करना। इसके अंदर देखो दो चीज़, इसके अंदर किस किस का रोल रहता है, एक तो रहता है पैथोलॉजिस्ट और एक एग्रोनॉमिस्ट के अंदर भी, एग्रोनॉमिस्ट के अंदर भी क्या, जो मेटेरियोलॉजी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो जो मेटेरियोलॉजी होता है वो और एक पैथोलॉजी, दोनों सब्जेक्ट मिलके इसके अंदर काम करेंगे। देखो किस प्रकार से कि पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल रहता है इसके अंदर और मेटेरियोलॉजी का क्या रोल रहता है। अपन ने फोरकास्टिंग, अब देखो फोरकास्टिंग की डेफिनेशन अगर लिखना है, अगर फोरकास्टिंग के बारे में पूछ लें तो इसके अंदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि फोरकास्टिंग को कितनी तरीके से डिफाइन करो, सरल भाषा में कैसे डिफाइन करना है उस चीज़ को बता देता हूँ कि फोरकास्टिंग होता है कि कोई भी एपिडेमिक या फिर कोई बीमारी कोई क्षेत्र विशेष के अंदर पर्टिकुलर रीजन के अंदर होती है तो उस चीज़ से या फिर उस बीमारी के द्वारा होने वाला जो नुकसान होता है उस नुकसान को कम करने के लिए और उस क्रॉप की सोविंग से पहले, उसके सोविंग से पहले उसके बारे में जो तथ्य अपन ने कलेक्ट किए थे उनके आधार पर एक भविष्यवाणी करना ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो अपना खर्च लगता है, जो अपने एक्सपेक्टेड जो इतनी वैल्यू होती है क्रॉप की और जो अपना खर्च लगता है वो दोनों एक बराबर नहीं हो, यानी कि अपने जितना लगाते हैं उतना ही अपने को वापस मिलेगा, तो फिर उसका बेनिफिट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, उसमें बेनिफिट नहीं होगा, या फिर लॉस ज़्यादा हो जाए और अपने को फ़ायदा हो ही नहीं। लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो देखो अपनी जो कॉस्ट लगी तो वो अपनी जेब से लगेगा, तो वो क्या चीज़ करेगा कि वो डिजीज़ अपने लिए एक टाइम के बाद में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अपनी फसल लगाने के लायक ही नहीं रहती वो दशा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कोई एक साइंटिस्ट है, उसके बेस पे उसने उसके आधार पे अपन इसको डिफाइन करते हैं, तो उसने क्या डेफिनेशन दिया था कि फोरकास्टिंग इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है, वो सारी प्रतिक्रियाएँ जो एक क्रियाएँ किन को सम्मिलित करती है कि वो क्या चीज़ बताती है कि नोटिफाइंग द ग्रोवर्स और कम्युनिटी
कोई भी ग्रोवर्स कम्युनिटी, एक ग्रोवर जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं तो उनका एक, जैसे फार्मर का एक ग्रुप हो गया, तो उस सारी कम्युनिटी को वो क्या करेगा, नोटिफाई करेगा, ठीक है, मतलब उसको सूचना देने का काम कर देगा, ठीक है, दैट कंडीशंस क्या होती है कि आर सफिशियंटली फेवरेबल फॉर सर्टेन डिजीज, कि कुछ कंडीशन, कुछ दशाएं ऐसी होती है जो कि कोई रोग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, ठीक है, अनुकूल दशाएं। उसका मतलब क्या हुआ कि पहले से जब अपने को पता चल जाए, ठीक है, जैसे सीधी सी बात है कि अपन वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग का क्या रोल रहता है, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो वेदर फोरकास्टिंग का मतलब ये हुआ कि जब 7 डेज की या फिर 7 से ज़्यादा दिनों की, 30 दिनों के पहले की जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, या फिर 15 दिन का जो वेदर फोरकास्टिंग का ड्यूरेशन होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि 15 दिन के बाद बारिश के चांसेज हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो फार्मर होगा वो क्या करेगा, अपनी लैंड का प्रिपरेशन करेगा, सोइंग का प्रिपरेशन करेगा कि वो कौन सी फसल ले सकता है, बेनिफिट तो होता है ना उस चीज़ का। तो इसी प्रकार से डिजीज़ का फोरकास्टिंग ऐसे क्षेत्र के अंदर जहाँ पे कुछ बीमारियों का प्रकोप सीजन आफ्टर सीजन बहुत ज़्यादा आता रहता है और नुकसान करती है बहुत ज़्यादा, तो उस बेस पे या फिर उस जगह पे उसका क्या होता है, फोरकास्टिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, फेवरेबल फॉर सर्टेन डिजीज़, कोई डिजीज़ के प्रति कोई कंडीशन फेवरेबल होती है, ठीक है, दैट एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल मेजर विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक गेन, कि अपने कोई भी एप्लीकेशन जो अपने कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो कंट्रोल मेजर अपने अप्लाई करने वाले ऐसे होने चाहिए ताकि अपने को कुछ ना कुछ उसका रिवार्ड मिल जाए, कि अपने उसमें पेस्टिसाइड भी डाल दिया, ठीक है, और कुछ भी कंट्रोल मेजर अपन ने डाले वो अपने किसी काम के नहीं रहेंगे, तो वो अपने क्या, एक तो खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जेब खर्च बढ़ गया, और अपने को प्रोडक्शन भी नहीं मिला। ये चीज़ें क्या बताती है कि कोई डिजीज़ की दशा अनुकूल होना, इसका मतलब ये, और उस चीज़ का पता लगा देना, पहले ही बता देना, तो उस वजह से क्या होगा, जो अपने कंट्रोल के जो मेजर अपनाते हैं वो अपने लिए लाभदायक हो, यानी कि अपने जो भी कुछ दवाई का यूज करे वो अपने फायदेमंद हो, बस इस चीज़ को ये क्या करते हैं, ये नोटिफाई करता है, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आएगी जो किसान को इस चीज़ के बारे में सूचना देता हो, ठीक है। दूसरे तरीके से देखें तो क्या होता है, या ऑन द अदर हैंड दूसरे तरीके से अपने देखें तो क्या होगा, द जस्ट एज इम्पोर्टेंट दैट द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड इज अनलाइकली, ठीक है, इसमें टू बी इनफ जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर टाइम एनर्जी एंड मनी। एक कंडीशन ऐसी हो जाती है, ऐसी दशा के बारे में अवेयर करवाना कि अपने जो कुछ भी उसके अंदर, जैसे क्या लगा, देखो टाइम लगा, ठीक है, टाइम का खर्च लगा, एनर्जी खर्च हुई अपनी और पैसा खर्च हुआ, ये सब चीज़ें खर्च हो गई, लेकिन इन चीज़ों के खर्च होने के बावजूद भी जो अपनी फसल से जो उत्पाद आना था वो उसके बराबर नहीं था, तो ये चीज़ें बढ़ गई, तो अपने क्या हो रहा है, लॉस। तो इन सब चीज़ों से अवगत कराना, पूर्वानुमान, पहले से ही इन चीज़ों के बारे में अवगत करवाना क्या कहलाता है, फोरकास्टिंग। अब इसके अंदर देखो फोरकास्टिंग के जब अपन पढ़ते हैं तो इसके अंदर अपने वैसे भी इंडिविजुअल टॉपिक है इस सब्जेक्ट के अंदर, डिजीज ट्रायंगल और डिजीज टेट्राहेड्रॉन, 2 बार पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ भी हर बार आता है, इसके बारे में पूछते ही पूछते हैं, डिजीज ट्रायंगल पता होना चाहिए, टेट्राहेड्रॉन पता होना चाहिए, या डिजीज का पिरामिड जिसे नाम लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में बता दिया था, क्या बना के बताना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एनवायरनमेंट, होस्ट और पैथोजन, इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध होता है तीनों को जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या फिर कोई डिजीज़ के लिए तीनों के तीनों उत्तरदायी होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। इसी प्रकार से चौथा फैक्टर ऐड कर देते हैं इसके अंदर टाइम, तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रॉन। 5वां फैक्टर ह्यूमन डाल देते हैं तो पिरामिड बन जाएगा। तो ये इनकी डेफिनेशन लिखना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, ट्रायंगल और टेट्राहेड्रॉन की, पिरामिड की भी पूछ ले। तो अब देखो डिजीज ट्रायंगल जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कोई बीमारी को, जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो उनका अध्ययन भी जरूरी होता है, इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा रोल रहता है, तभी अपन उसकी फोरकास्टिंग कर पाएंगे या फिर इन फैक्टर्स के बारे में अपने को पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कोई भी फोरकास्टिंग जब करते हैं। तो डिजीज ट्रायंगल अपने को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि डिजीज का होस्ट पे डिजीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है होस्ट पे भी और पैथोजन पे भी। तो ये सब चीज़ें अपने को
पता होना चाहिए। तो इसका भी रोल रहता है, डिजी ट्राइंगल के बेस पे ही अपने सब चीज़ की स्टडी करते हैं, एपिडेमिक की, एपिडेमोलॉजी की, प्लस एपिडेमोलॉजी तो हो ही गया, एपिडेमिक की स्टडी करते हैं, प्लस फोरकास्टिंग भी इन्हीं के बेस पे होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि फोरकास्टिंग करने से पहले क्या चीज़ें अपने इसमें किस चीज़ की क्यों ज़रूरत होती है, किसकी शर्तें क्या होती है कि फोरकास्टिंग, जब कोई भी डिजीज़ की फोरकास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है, वो दशाएं क्या होनी चाहिए इसलिए अपन फोरकास्टिंग करें। तो उसका अपना यानी कि एक तरीके से इम्पोर्टेंस मान लो कि उसके अंदर क्या क्या अपने इम्पोर्टेंस, उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहेगी अपन फोरकास्टिंग करते हैं तो, या फिर कुछ दशाएँ प्रीरिक्विजिट क्या होता है कि पहले से तो कुछ अपनी चीज़ें ज़रूरत या फिर कुछ शर्तें उसकी जो माननी पड़ती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, द क्रॉप मस्ट बी कैश क्रॉप। फोरकास्टिंग तभी करेंगे जब अपने पास कैश क्रॉप का मैटर हो। ठीक है, इकोनॉमिक यील्ड हो जिसकी, ऐसे तो है नहीं कोई वीड होस्ट है उसके लिए अपने उस पर डिजीज हो रही है उसके बारे में अपन फोरकास्ट करते हैं, ऐसे तो नहीं, जिसका प्रोडक्शन मिलता हो और वो इनकम का एक अच्छा सोर्स हो, उस क्रॉप के संबंध में अगर कुछ ऐसी बीमारियों का प्रकोप रहता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं फोरकास्टिंग। तो अपनी पहली जो रिक्वायरमेंट या कुछ ज़रूरत होती है तो पहली चीज़ क्या होती है, पहली शर्त भी यही होती है अपनी कि उसमें क्या होता है कि कैश क्रॉप होना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है, डिजीज मस्ट हैव पोटेंशियल टू कोज डैमेज। बीमारी भी ऐसी होनी चाहिए यानी कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ डैमेज करती हो, बिना डैमेज, जो डैमेज इतना ज़्यादा नहीं करती उनके बारे में फोरकास्टिंग करना, एक तो फोरकास्टिंग करने का पूरा प्रोसीजर का जो इतना खर्च लगता है वो ज़्यादा हो जाएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं रहता। ठीक है, और क्या चीज़ है ये, डिजीज शुड नॉट बी रेगुलर। डिजीज रेगुलर नहीं होनी चाहिए, जो रेगुलर डिजीज होती है तो रेगुलर डिजीज़ जो रहती है उनको अपन एपिडेमिक नहीं बोलते। ठीक है, रेगुलर होती है वो एपिडेमिक नहीं होती, कोई क्षेत्र विशेष के अंदर जो रेगुलर रहती है वो एंडेमिक टाइप की होती है तो उसके बारे में अपन इतना नहीं सोचते। लेकिन एपिडेमिक कभी कभी इतना वाइड रेंज पे फैलता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र पे एक साथ फैलता है कभी कभी और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो ऐसी बीमारियों की पहले से कुछ जानकारियाँ रखते हैं। देखो एक बार तो जब कोई डिजीज होती है उसका कुछ पता नहीं होता, फोरकास्टिंग किसकी की जाती है, पहले से उसके बारे में कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे पहली बार कोई डिजीज अपीयर होती है वो एक बार में इतना नुकसान कर दे और उसके बाद में उसका पता चलता है कि इसका लेवल क्या है, तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इन फ्यूचर अपने क्या करते हैं उसके लिए फोरकास्टिंग के कुछ सिस्टम डेवलप करते हैं। इसीलिए तो क्या होता है कि वो है कि वह बीमारी कभी फ्यूचर में दोबारा नहीं आए, तो उस चीज़ से बचने के लिए अपने क्या करते हैं इस प्रकार का सिस्टम अपनाते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ क्या होता है, रेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर डिजीज़ जो रहती रहती है तो उसका एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में भी कुछ ना कुछ, तो देखो सब डिजीज़ का एनवायरमेंट के साथ में रोल रहता है, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो रेगुलर रहती है लेकिन इस लेवल तक नुकसान नहीं करती। ठीक है, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक कंट्रोल नाउन, यानी कि कोई भी डिजीज़ अपन फोरकास्टिंग कर दें और सजेशन देंगे, कोई भी डिजीज़ की फोरकास्टिंग कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि अपने, सीधी सी बात है कि नॉर्मल भाषा में बोले तो ज्ञान तो दे दिया लेकिन अब इसको हैंडल कैसे करें, कि बता तो दिया कि हाँ बीमारी तो आएगी लेकिन इसका बचाव भी तो बताना ज़रूरी होता है ना, कि ऐसे तो नहीं हाँ बीमारी आएगी किसान अपने हिसाब से देख ले, ऐसे तो नहीं होता ना, तो पैथोलॉजिस्ट का मतलब क्या रहेगा फिर इसमें। तो इसके अंदर देखो कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स अपन यूज़ करते हैं, कोई भी मेथड जो यूज़ करते हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो अपने फोरकास्टिंग का भी कोई रोल नहीं रहता। ठीक है, रिलायबल मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद फार्मर, कि जो भी चीज़ हो वो विश्वसनीय हो, कि उसका किसान को विश्वास भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो करते हैं कोई भी चीज़ की सूचना देते हैं उस पे विश्वास हो जाए, विश्वसनीय होनी चाहिए यानी कि प्योर और श्योर दोनों चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। फार्मर शुड बी अडेप्टिव एंड हैव परचेज पावर, फार्मर के अंदर ऐसे मेथड अपने सजेस्ट करेंगे, फोरकास्ट करते हैं तो उसके बाद में कंट्रोल करने के मेथड भी ऐसे सजेस्ट करने चाहिए ताकि हर फार्मर उसको उस पावर को परचेज कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मेथड जो अपनाए तो वो उसके लिए भी इतना कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि वो उसके लिए वो खरीदना भी आसान हो, ऐसे नहीं कि कोई ऐसा तरीका बता दें कि वो अप्लाई भी नहीं कर सके। ठीक है, और एडेप्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके अनुकूल यानी कि और हर चीज़ को अपनाने वाला होना चाहिए कि किसान बात
मानने भी, उसको किसान को बात जचनी भी चाहिए, देतु की बातें भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ दशाएं होती है, इन दशाओं को देखते हुए ये अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ की फोरकास्टिंग करते हैं डिजीज़ की। अब इसके अंदर देखो डिजीज़ फोरकास्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक इसका बता देता हूँ किस बेस पे करते हैं। देखो बहुत सारे इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। अब इसके अंदर देखो कि किस बेस पे, प्रिंसिपल नेचर ऑफ पैथोजन, पैथोजन का नेचर अपने को पता होना चाहिए कि किस लेवल का है, मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक है। मोनोसाइक्लिक क्या होता है, एक सीजन के अंदर एक लाइफ साइकिल पूरा करने वाला, पॉलीसाइक्लिक एक सीजन में बहुत सारी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, उस प्रकार का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो नेचर ऑफ पैथोजन, पैथोजन का नेचर पता होना चाहिए उसके बेस पे, यानी कि पैथोजन के नेचर के बेस पे इसका कुछ प्रिंसिपल होता है कि फोरकास्टिंग किस बेस पे करते हैं, पैथोजन के नेचर के बेस पे करते हैं। इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट स्टेज, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट रहता है, पैथोजन और होस्ट दो बार बता चुका हूँ, दोनों पे क्या इफेक्ट रहता है, तो उसके यानी कि डिजीज डेवलपमेंट का, डिजीज डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का क्या रोल रहता है, तो ये भी क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इसके बेस पे भी होता है, इसमें देखो कुछ कंडीशंस होगी अपने डिटेल में बाद में और बताता हूँ इसमें क्या होता है। द रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू इन्फेक्शन, एज के आधार पे, एज के आधार पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब एज बढ़ने के साथ साथ में पौधे के रेजिस्टेंस पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी इसमें क्या करता है, मायने रखता है। द रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट, होस्ट का रिस्पॉन्स क्या रहता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एज, एज के अनुसार पौधे का रोग के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है उसके आधार पे, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ द ग्रोवर दैट अफेक्ट द पैथोजन, देखो ग्रोवर का जो एक्टिविटीज रहती है, सीधी सी बात होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं ग्रोवर का, तो रोल रहता रहता है किस प्रकार से कि वो मटेरियल कैसा यूज़ कर रहा है, कंट्रोल के मेजर कैसे अपना रहा है, और उसके क्रॉप लेने के जो मेथड्स होते हैं, रोटेशन करता है या नहीं करता, क्रॉपिंग का पैटर्न क्या रहता है उसका, तो ये बहुत सारी सीड का ट्रीटमेंट का रोल रहता है इसके अंदर। तो वो सारी एक्टिविटीज़, इंटरकल्चर ऑपरेशंस, सारी एक्टिविटीज़ जो होती है, तो वो उसमें क्या होता है, ग्रोवर का भी उसके अंदर, डिजीज डेवलपमेंट के अंदर रोल रहता है। तो इसके आधार पर इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, इसके आधार क्या मानते हैं डिजीज फोरकास्टिंग के, तो इनके आधार पे इनकी फोरकास्टिंग की जाती है। किनके आधार पे, नेचर, पैथोजन के नेचर के आधार पे, एनवायरनमेंट के आधार पे, और रिस्पॉन्स, पौधे का रिस्पॉन्स क्या होता है डिजीज के प्रति उसके आधार पे, और एक्टिविटी ऑफ ग्रोवर, ग्रोवर की एक्टिविटी के आधार पे। अब देखो इसके अंदर एक कंडीशन बताता हूँ, अगर कोई मैं डिजीज की फोरकास्टिंग करता हूँ तो कैसे करूँगा, ठीक है। जैसे मानो इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि इसके अंदर कुछ बेस मानते हैं कि किसके आधार पे, किस चीज़ की गणना करके मैं डिजीज़ को फोरकास्ट करता हूँ। पहली चीज़ देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ इनिशियल इनोकुलम, इनिशियल इनोकुलम ओवर विंटर और ओवर समर जो पैथोजन होता है, ओवर विंटर ओवर समर पैथोजन कुछ नया नहीं है, पिछली बार भी बताया था अपने कोर्स के अंदर कि प्राइमरी जो इनोकुलम होता है, ठीक है, इनिशियल इनोकुलम मतलब प्राइमरी जो इनोकुलम होता है, इसके अमाउंट के आधार पे, उसके अमाउंट पे आधार पे, जैसे मानो एक डिजीज़ की अगर मैं फोरकास्टिंग करता हूँ, जिसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि जितना प्राइमरी इनोकुलम होगा डिजीज़ उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब प्राइमरी इनोकुलम का कैसे काउंटिंग करूँगा, तो मैं देखो नंबर ऑफ, एक डिजीज़ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे स्टेम रोट डिजीज होती है ग्राउंड नट के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि स्क्लेरोसियम एक फंगस होती है, ठीक है, स्क्लेरोसियम फंगस हो गई, और स्क्लेरोसियम फंगस होती है उसके अंदर जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, जो इसके जो सर्वाइव करती है सोयल के अंदर, किस रूप में रहती है, किस फॉर्म में रहती है, तो वो क्या होता है स्क्लेरोसिया, क्या बनाती है ये रेस्टिंग जो स्पोर होता है इसका क्या होता है स्क्लेरोसिया। तो स्क्लेरोसिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो पौधे के प्राइमरी इनोकुलम का काम करता है पैथोजन को, और पौधे को इन्फेक्ट करती है, तो स्क्लेरोसिया। अब इसमें देखो नंबर ऑफ स्क्लेरोसिया, मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ स्क्लेरोसिया, नंबर ऑफ स्क्लेरोसिया अवेलेबल इन सोइल, नंबर ऑफ स्क्लेरोसिया अवेलेबल इन सोइल, तो सोइल के अंदर स्क्लेरोसिया कितना अवेलेबल है उसके आधार पर, ठीक है। तो सोइल के अंदर स्क्लेरोसिया जितना अवेलेबल होगा उतना ही चांस उसके ज़्यादा होंगे। देखो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस में बहुत कम होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता, प्राइमरी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। देखो
जितना स्क्लेरोसिया होगा जैसे प्लांट की सोइंग की, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इन्फेक्शन। जैसे मान लो पर ग्राम सोइल के आधार पर स्क्लेरोसिया की काउंटिंग करते हैं तो पूरे फील्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना अमाउंट। तो इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम, इनिशियल इनोकुलम ज़्यादा तो डिजीज भी ज़्यादा। अब जैसे मान लो कोई क्षेत्र के अंदर ग्राउंड नट के अंदर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो गई, उस क्षेत्र के अंदर अपने फोरकास्टिंग करते हैं तो कैसे करेंगे कि अपन वहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट होता है उस सोइल का मुआयना करेगा, सोइल के अंदर इनोकुलम चेक करेगा, इनोकुलम का अमाउंट बढ़ता है तो उसमें दो तरीके से वो प्रिडिक्शन कर सकता है। फोरकास्टिंग करके क्या प्रिडिक्शन करेगा वो, देखो कि या तो इस क्षेत्र के अंदर कोई भी फसल नहीं ले, प्लस नंबर ऑफ इनोकुलम के आधार पे बात करूँ मैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन कहीं भी कुछ नहीं देखा मैंने, सिर्फ इनोकुलम, इनोकुलम के आधार पे दो प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। या तो उस फील्ड के अंदर ग्राउंड नट की क्रॉप मत लो, ठीक है, उस क्रॉप को उस फील्ड में उगाओ मत। दूसरा, अगर उगाते हो तो किसके साथ, रेजिस्टेंट वेराइटी, ठीक है, तो ये बेनिफिशियल हो गया अगर उगाते हैं तो रेजिस्टेंट वेराइटी। तीसरी एक चीज़ और हो सकती है, उगाओ लेकिन कुछ कंट्रोल मेजर्स स्पेसिफिक, जैसे सोइल का ट्रीटमेंट कीजिए और सीड का ट्रीटमेंट कीजिए इफेक्टिव फंजीसाइड से, जो उसके लिए उसको मारने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो गई, तो किसानों को पहले ये सब चीज़ें बता दी जाती है, तो वो क्या करेगा, इनोकुलम उसमें ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में, तो वो उस क्षेत्र में अप्लाई करेगा, तो या तो रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो करेगा या फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट या कंट्रोल मेजर के साथ में उसको अप्लाई करेगा। तो ये हो गया ना, देखो प्रिडिक्शन भी हो गया इसका और उसका कंट्रोल भी हो गया, तो अपनी फसल का नुकसान कम हो गया। तो ये किन के बेस पे होती है, पैथोजन के बेस पे, इनोकुलम के बेस पे, एक तो इनोकुलम के इनिशियल इनोकुलम के बेस पे हो गया, दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन के बेस पे होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशन देखते हैं तो उसके आधार पे कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो एनवायरमेंटल कंडीशन। तीसरा हो सकता है इनिशियल इनोकुलम प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन, दोनों को देखना पड़ता है कहीं पे, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनिशियल इनोकुलम प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन दोनों का रोल रहता है। एक एनवायरमेंटल कंडीशन का रोल रहता है, लेट ब्लाइट ओपोटाटो डिजीज था उसके बारे में बहुत सारी इसे प्रिडिक्शन की थी, तो इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, आधार जिनको माना जाता है प्रिडिक्शन के, ठीक है, या फिर फोरकास्टिंग के। मॉडल डेवलप हुए थे, देखो डिजीज प्रिडिक्शन के लिए क्या करते हैं, मॉडल डेवलप होते हैं, ये मॉडल है अपने, इसके बाद अपने एक एक मॉडल का भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कैसा मॉडल डेवलप होता है। कुछ ऐसे कंडीशन, कुछ मॉडल ऐसे भी थे, जैसे डच रूल डेवलप हुआ था, तो डच रूल उसके अंदर कुछ क्या कंडीशन थी, उसके रूल क्या थे, तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये पहले कुछ प्रिडिक्शन के मॉडल थे, किस बेस पे मानते थे पहले, वो एम्पेरिकल मॉडल, मतलब ऐसे कि अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पे लोगों ने बता दिया था कि हाँ इस बार इस प्रकार से डिजीज़ के होने के चांसेज हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा सिमुलेशन मॉडल होता है थ्योरेटिकली, मतलब अपने जिस चीज़ को जैसे अपन ने अध्ययन किया उसके आधार पे अपन उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर फोरकास्टिंग के कुछ पुराने जो तरीके जिनको मान लेते हैं, तो वो इस प्रकार थे, ठीक है। और क्या है, जनरल सर्कुलेशन मॉडल, ये सब चीज़ें फेलियर के अंदर थी, ये सक्सेस नहीं हो पाई। इसके अंदर क्या था, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, वर्षण और बारिश, और उसके आधार पे अपने इसके क्या किया था, प्रेडिक्शन किया था और उसका डिजीज़ के फैलने का और उसका लेवल बताते थे, तो वो उस चीज़ को उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम थी मेन। इसके बाद में था यूज ऑफ डिजीज फोरकास्ट, इसके अंदर यूज क्या होता है, फोरकास्टिंग का यूज पहले तो बता चुका हूँ मैं बेसिकली। अब देखते हैं एक चीज़, देखो टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि समय के अनुसार उसमें अपन कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि अपना जो पेस्टिसाइड के अंदर जो एक्स्ट्रा जो खर्चा लगता है वो कम हो जाए। लॉस असेसमेंट की लॉस का मूल्यांकन, अपने जो होने वाला नुकसान होता है उसका मूल्यांकन हो सकता है कि इस लेवल तक डिजीज आती है तो इसके अंदर इतना लॉस हो जाता है, तो इन चीज़ों का भी पता लगता है। फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन में देखो बहुत सारे, कितनी भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाएंगे तो उसमें देखो क्या चीज़ होता है कि प्लांटिंग सर्टेन क्रॉप, कि कौन सी क्रॉप को कब लगाना है। देखो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में ये तो आएगा, डिसाइडिंग अबाउट द नीड ऑफ अप्लाई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मेजर का भी आ जाएगा, प्लांटिंग का भी मेथड आ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंट कल्टीवार लगाना है या नहीं लगाना, तो ये इसके
यूज होते हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग टेक्टिकल डिसीजन। टेक्टिकल डिसीजन में देखो क्या चीज़ होती है, टेक्टिक्स कैसे बनता है, टेक्टिक कैसे बनता है कि डिजीज फोरकास्ट करने से पहले उसके अंदर क्या करते हैं कि डिजीज फोरकास्ट करने के बाद में जो ग्रोवर होता है उसको अपन क्या चीज़ सजेस्ट करते हैं, तो वो सारी टेक्टिक्स अपने इसके अंदर आती है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें होती है वो उसको बेनिफिट जो प्रोवाइड करती है, तो ऐसी कंडीशन अपने या फिर ऐसे मेजर्स उसको क्या करते हैं अपन सजेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके अंदर इसका यूज रहता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो पढ़ने से ही देख लोगे एक बार, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, एक दो साइंटिस्ट है बस, लुटमैन, ठीक है। एक तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, फादर ऑफ प्लांट, ये जो एपिडेमोलॉजी जो होता है इसका कौन है, वेंडर प्लैंक, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में पूछ भी लेता है ब्लैंक्स वगैरह में, तो ये याद रख लेना, ठीक है। वेंडर प्लैंक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट और वर्टिकल रेजिस्टेंस टर्न भी दिया था, और फादर भी एपिडेमोलॉजी का फादर भी है वेंडर प्लैंक, ठीक है। इसके अंदर देखो लुटमैन ने क्या किया था, एपिडेमिक किसके बारे में बताया था इसने, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अंदर इसने कुछ कंडीशन बताई थी, किसकी इसने बताई थी, वेट और कोल्ड कंडीशन, बिल्कुल सही बताया था, वेट और कोल्ड कंडीशन की वजह से ये डिजीज ज़्यादा हुई थी, तो 1911 में लुटमैन ने बताया। एवरडिजन था, एवरडिजन ने क्या किया था, इसने प्रपोज किया था कि फोर क्लाइमेटिक कंडीशन इसने प्रपोज की थी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए। तो देखो नाइट टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट से नीचे नाइट टेम्परेचर रहना, एक कंडीशन ये बताई थी। ड्यू पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे जो हवा के अंदर जो नमी होती है वो पानी में बदल जाए। मिनिमम टेम्परेचर नो लोअर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर नहीं हो, ठीक है। क्लाउड कवर द फॉलोइंग डे जो होता है उसमें क्लाउडी वेदर होना चाहिए, बादल दिखाई देने चाहिए, ठीक है। रेनफॉल इन एक्सेस ऑफ 0.1 mm से ज़्यादा बारिश। उसके बाद में कुछ ऐसे मॉडल थे, ब्लाइट कास्ट, सिम कास्ट, ये डेवलप किए थे किसी साइंटिस्ट ने, तो ये भी आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से। तो ये पुराने मॉडल थे जिनको लेट ब्लाइट के लिए इन लोगों ने डेवलप किए थे, लेट ब्लाइट की फोरकास्टिंग के लिए मॉडल कैसे डेवलप होता है इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लेटेस्ट जनरेशन है उसके अंदर ये डेवलपमेंट हुआ है, तो इनके बारे में एक एक मॉडल के बारे में ढंग से पढ़ेंगे लास्ट में अपन। अब इसको देखो एक मॉडल ये है फोरकास्टिंग का, एक ऐसा सिस्टम है कि देखो फोरकास्टिंग का आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जैसे ये नाम आते हैं ना, जैसे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में जैसे ये है, जैसे ब्लाइट कास्ट हो गया, सिम कास्ट हो गया, सिम फाइट हो गया, प्रोगेब हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे जैसे एपिडेम, एपीवेन, तो एपीवेन एपिडेमिक्स प्लस वैन, वैन का मतलब वेंचूरिया, एप्पल स्कैब के लिए जो मॉडल डेवलप हुआ था वो क्या है, एपीवेन। इसमें कैसे होते हैं मॉडल डेवलप, कंप्यूटर सिमुलेशन बेस्ड होते हैं, ये कंप्यूटर के आधार पे इनको किया जाता है। तो एक इसके अंदर जैसे अपन एक डिजीज के लिए एक सिस्टम है देखो फोरकास्टिंग का, स्टीवर्ट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम किसके बेस पे था ये बता देता हूँ मैं, इनिशियल इनोकुलम प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन, इनिशियल इनोकुलम प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन, इसके आधार पे इसने क्या किया था, डिजीज की फोरकास्टिंग की थी। कौन सी डिजीज के लिए, कॉर्न के अंदर, मेज के अंदर एक डिजीज होती है विल्ट, स्टीवर्ट विल्ट जिसका नाम था उसके लिए, ठीक है। तो इसने एक फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार किया था, किस आधार पे किया था, इनिशियल इनोकुलम और एनवायरमेंटल कंडीशन की, पर्यावरण का उसके अंदर रोल प्लस उसका इनिशियल इनोकुलम, डिजीज का जो प्राइमरिक जो प्रारंभिक या प्राथमिक जो निवेश द्रव्य था उसके आधार पे उसने क्या किया था। इसके अंदर एक रोल रहता है, देखो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जो है एरविनिया स्टीवर्टी, स्टीवर्ट डिजीज है तो एरविनिया स्टीवर्टी विल्ट करता है मेज के अंदर, लेकिन इस बैक्टीरिया को कैरी कौन करता है, वेक्टर का रोल रहता है इसके अंदर, और वो है इसके अंदर बीटल, फ्लिया बीटल होता है, ठीक है, कॉर्न बीटल, फ्लिया बीटल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में पूछ भी सकता है एग्जाम में पूछे तो, फ्लिया बीटल, ठीक है, फ्लिया बीटल का रोल रहता है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो एरविनिया बैक्टीरिया वो किस में रहता है, बीटल के अंदर,
बीटल के अंदर, वो उसके गट के अंदर चला जाता है और गट मतलब उसके डाइजेशन सिस्टम में, गट में चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या रहता है, वो उसके बीटल के अंदर ही रहता है जब तक कि जो ऑफ सीजन के अंदर, जब तक कि सीजन नहीं आता तब तक। अब एक चीज़ देखो कि अगर बीटल की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बैक्टीरिया भी बढ़ेगा। इनोकुलम बढ़ रहा है ना, इनिशियल इनोकुलम, बैक्टीरिया बढ़ेगा किसके आधार पे? इनोकुलम, इनोकुलम देखो किसके आधार पे बढ़ रहा है, इसका बीटल के आधार पे। बीटल बढ़ा तो इनोकुलम बढ़ेगा। दूसरा इन्वायरमेंट का क्या रोल रहता है उसके अंदर भी देखें। देखो इसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है, देखो बैक्टीरिया सर्वाइव द विंटर पीरियड इन गट ऑफ एडल्ट कॉर्नफोलिया बीटल, बीटल के गट के अंदर रहता है, ठीक है। दैट आर ओवर विंटरिंग एट द सोइल सर्फेस ग्रासी एरिया सराउंडिंग द फील्ड। ये जो बीटल होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्रासी एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कंडीशन क्या होता है, वार्मर विंटर टेम्परेचर ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर और जनवरी के अंदर वार्मर विंटर टेम्परेचर होना, ज़्यादा वार्म होना फरवरी जनरली अलाउ, ठीक है। तो ये इन कंडीशन के अंदर, ये जो मंथ दिए हुए इनके अंदर विंटर के अंदर टेम्परेचर क्या होना, थोड़ा वार्मर, वार्मर कंडीशन होना। ग्रेटर नंबर ओ अलाउ, ये क्या करता है देखो, ग्रेटर नंबर ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर सर्वाइव, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा देता है किसकी? बीटल की। तो बीटल की पॉपुलेशन बढ़ा रहा है कौन? इन्वायरमेंटल कंडीशन, देखो दोनों का रोल रहना। तो एक चीज़ मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ इसमें, सिंपल सा देखो फोरकास्टिंग करने के लिए, अगर मुझे ऐसे लगे कि जनवरी दिसंबर और फरवरी तीन महीनों के अंदर जो टेम्परेचर जनवरी फरवरी और दिसंबर का रहता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में जो टेम्परेचर रहना चाहिए उसकी बजाय टेम्परेचर थोड़ा वार्म है, तो एक चीज़ मुझे क्या वार्निंग देगी उसके अंदर, अगर वार्म टेम्परेचर हो रहा है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अब किसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फ्लिया बीटल की। बीटल बढ़ गया, फ्लिया बीटल बढ़ रहा है और उस जगह पे मेरी क्रॉप भी क्या होती है, कॉर्न। अगर मैं वहाँ पे कॉर्न की यानी कि मेज़ की फसल लगाता हूँ, वहाँ पे कॉर्न है तो उसके अंदर फ्लिया बीटल बढ़ रहा है, फ्लिया बीटल बढ़ रहा है तो क्या चीज़ होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि उसके अंदर बैक्टीरिया भी बढ़ेगा। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए मुझे कि फ्लिया बीटल बढ़ेगा तो उसमें बैक्टीरिया के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा। तो ये चीज़ क्या डिसाइड करेगी कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो उस समय के अंदर जो कॉर्न ग्रोइंग रीजन होता है, जो मेज ग्रोइंग रीजन होता है, उसके अंदर क्या होगा कि स्टीवर्ट विल्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस टाइम में, या तो मुझे बीटल का पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेथड अपनानी चाहिए, या फिर मुझे कॉर्न की ऐसी वेराइटी लगानी चाहिए जो डिजीज़ के प्रति रजिस्टेंस हो, या फिर मुझे ऐसी चीज़ें यूज करनी चाहिए, या मुझे ऐसा मेथड यूज़ करना चाहिए जो कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कम करे, या बैक्टीरिया को मारने वाले अपने कंट्रोल मेजर होना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मॉडल था जो इन्वायरमेंट और इनिशियल इनोकुलम के बेस पे डेवलप किया गया था। तो इनके आधार पे और इसके अंदर कुछ मॉडल है वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जो समझ में नहीं है वो अपन कमेंट करके बता देना तुम लोग, ताकि अपन बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा। थैंक यू।